दोस्तों अपने दिमाग को चीते जैसा कैसे बनाए, दोस्तों अपने दिमाग को शातिर कैसे बनाए, ऐसा दिमाग बनाए दोस्तों जो कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आए ना तो उसको आप आसानी से दोस्तों समझ कर उसका सोल्यूशन निकाल पाएँ। आपकी लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके सपने हो, आपका बिजनेस हो, आपका कुछ भी किसी भी फील्ड से आप क्यों ना हो दोस्तों, अपने दिमाग को इतना तेज कर लें कि दोस्तों कभी भी आप झुक ना पाएँ और दोस्तों हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए चीरते हुए दोस्तों आप आगे बढ़ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पर हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम आए तो उसका दिमाग ऐसा हो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों आसानी से निकल पाए। बिजनेस हो, लाइफ हो, कैरियर हो, कोई भी सेक्टर्स में आप क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग तेज है, अगर आपका दिमाग ऐसा है कि आप प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकाल लेते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों आप बहुत बहुत ऐसे कम परसेंटेज लोग हैं, भी नंबर्स में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा दिमाग दोस्तों बना पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपना ऐसा दिमाग बनाना चाहते हैं कि एकदम शातिर दिमाग, तेज दिमाग हो, तो दोस्तों ये आपको छोटी सी पहले बात समझनी होगी। देखिए दोस्तों, एक कंपनी थी, उस कंपनी का काम था लकड़ी कटवाने का। तो लकड़ी काटने के लिए दोस्तों उन्होंने दो लकड़हारों को हायर किया। पहला जो लकड़हारा था वो पूरे दिन 10-12 घंटे दोस्तों काम करता था, उसके बाद में वो पूरे दिन में मैक्सिमम 100 लकड़ियां काट पाता था। जब छुट्टी होती थी शाम को तो जो मालिक था उसको 100 रुपया देता था कि ठीक है तुमने पूरे दिन में 100 लकड़ियां काटी हैं, ये लो आपकी आज की दाढ़ी, ये लो आपकी आज की कमाई। वहीं पर जो दूसरा लकड़हारा था दोस्तों उसी कंपनी के अंदर, वो दिन में तकरीबन 4-5 घंटे काम करता था और दोस्तों लकड़ी उससे ज़्यादा काटता था, यानी कि तकरीबन उससे डबल 200 लकड़ियाँ काटता था, यानी कि टाइम भी कम लेता है, लकड़ी भी ज़्यादा काटता है। वहीं पर दूसरा लकड़हारा काम भी ज़्यादा करता है, मेहनत भी ज़्यादा करता है, समय भी ज़्यादा लगाता है और लकड़ी भी कम काटता है। तो दोस्तों एक दिन छुट्टी होती है, दोनों लकड़हारे अपनी पेमेंट ले रहे होते हैं, यानी कि पैसा मालिक से ले रहे होते हैं, तो जो कम मेहनत करता है वो ले रहा होता है ज़्यादा पैसा। वहीं पर जो दूसरा लकड़हारा होता है जो मेहनत ज़्यादा करता है, लकड़ी भी कम काटता है, वो ले रहा होता है कम पैसा। तो ये बात दोस्तों उसको बर्दाश्त नहीं होती है, वो अपने मालिक से पूछता है कि सर ऐसा क्या है, मैं मेहनत भी ज़्यादा करता हूँ, 8-9 घंटे पूरा मेहनत करके काम करता हूँ और पैसा भी मुझे कम मिलता है, ये इंसान मेरे जैसा ही तो है, मेरे जैसे ऐसी मेहनत भी करता है, हाँ मुझसे कम मेहनत करता है, मतलब मुझसे 4-5 घंटे कम काम करता है, पर लकड़ी मुझसे ज़्यादा काटता है, तो उसको ज़्यादा पैसा आप क्यों देते हो, वो समय तो कम लगा रहा है। तो कंपनी का मालिक बोलता है देखो ऐसा है भाई, हमें समय से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है, काम एक्चुअली वो आपसे ज़्यादा करके दे रहा है, इनफैक्ट वो समय भी कम लगा रहा है, तो और ज़्यादा काम कर सकता है यदि और 4-5 घंटे काम करे तो। तो ये बात उसको बर्दाश्त नहीं होती है, वो पूछता है कि सर मैं तो इस कंपनी में काम नहीं करूँगा, तो मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है कि भाई देख ऐसा है कि इस बंदे से सीख ले, इस बंदे से समझ ले कि ये ऐसा क्या करता है कि तेरे से कम काम करता है, मेहनत कम करता है और लकड़ी भी तेर से ज़्यादा काटता है, क्यों करता है ऐसा इससे पूछ। तो उसको पूछता है कि भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि आप मुझसे कम मेहनत करते हैं, मैं 8-9 घंटे पसीना बहा के 100 लकड़ियाँ काट पाता हूँ, आप 4-5 घंटे में ही 200 लकड़ियाँ कैसे काट पाते हो, भाई प्लीज़ मुझे बताओ। वो कहता है कि हम लकड़ियाँ किससे काटते हैं, बोलता है हम आरी या कुल्हाड़ी इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो मैं पूरे दिन आरी या कुल्हाड़ी बस चलाते नहीं रहता हूँ कि बस मुझे आरी या कुल्हाड़ी बस चलाते रहना, मैं सिर्फ मेहनत नहीं करता हूँ, मैं 1 घंटा कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता हूँ और उस 1 घंटे में आराम करता हूँ, आराम करते वक्त मैं उसकी धार को तेज करता हूँ, यानी कि जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को मैं 1 घंटे तेज करता हूँ। तो मैं 1 घंटे जब मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज होती है तो मेरी उससे दोस्तों परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये बात दूसरे कुल्हाड़ी वाले को समझ में आ जाती है, लकड़हारे को समझ में आ जाती है, वो बोलता है कि यार ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर मैं भी 1 घंटे अपने लिए समय निकालकर इस पर धार लगाऊं तो मैं ज़्यादा लकड़ियां काट सकता हूं। तो दोस्तों यही बात हमारी लाइफ में अप्लाई होती है कि हम अपनी लाइफ में उम्मीद तो बहुत बनाए रखते हैं, सपने होते हैं, डिज़ायर होती है, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं निकालते, हम अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं निकालते हैं, अपना योगा के लिए, अपने लिए एक्चुअली हम समय नहीं निकालते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अब लोग बोलते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है, आपको नहीं पता मेरी स्थिति क्या है, मेरे पास समय नहीं है। भाई सभी की स्थिति ऐसी है, सभी की स्थिति ऐसी है, ये आपका सिर्फ एक बहाना है कि आपकी स्थिति ऐसी, सभी की स्थिति ऐसी है। या तो आप
कोई डिज़ायर मत रखो, या तो आप कोई सपने मत रखो, या तो अपना कोई इच्छा मत रखो कि नहीं यार मुझे ज़्यादा करना है। ज़्यादा करने की इच्छा रखते हो तो उससे स्ट्रेस बनता है। जब आपको मालूम है कि आप सुबह नहीं उठ सकते, आपको मालूम है आप योगा नहीं कर सकते, जब आपको मालूम है आपको नौकरी करनी है, आपको मालूम है कि आपको 8 घंटे की नौकरी करनी है, आपको 40,000-50,000 रुपये महीना कमाना है, 20,000 रुपये महीना कमाना है, तो फिर आप क्यों सोचते हो कि मुझे 1-2 लाख रुपये महीना कमाना है। या तो सोचना बंद कर दो, और यदि सोचना शुरू करते हो, डिज़ायर रखते हो, सपने रखते हो, तो उसके लिए अपने लिए पहले दोस्तों समय निकालना शुरू करो। ये जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना, अपना दिमाग कैसे तेज बनाए, जब तक आप अपना दिमाग तेज नहीं बनाएंगे तब तक आप अपनी जो डिज़ायर है, अपने जो सपने हैं दोस्तों, उसको पूरा नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हैं कि आप 8-10 घंटे की कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर कुछ कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फाइड है? अगर वो आपको सेटिस्फाइड लगता है तो वहीं पर रखो, फिर आप डिज़ायर मत पैदा करो भाई। और अगर आप चाहते हो कि आपके डिज़ायर 1,00,000 से 1,00,000 रुपए की पहुंचने की है, 1,000 से 2,00,000 की पहुंचने की है, 50,000 से 2,00,000 पहुंचने की है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो, परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो, अपने डिज़ायर अपने सपने आप पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्चुअली ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो दिमाग को दोस्तों तेज करने के लिए ना, जब आपको पता है कि जब भी कोई भी लाइफ में बड़ा एम आपको अचीव करना है, आपका गोल अचीव करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने सपने करने हैं, 1,00,000-1,00,000 रुपये महीना कमाना है, किसी भी फील्ड में मुझे एक्सपर्ट बनना है, टॉप लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। यदि आपकी हेल्थ अच्छी है, ट्रेनिंग जो मैंने ट्रेनिंग बोली है ना, ट्रेनिंग का मतलब आपकी हेल्थ ही है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। जब आपने 1-2 घंटा अपने लिए समय निकाला है, आप पीसफुल हैं, शांतिपूर्वक कहीं पे बैठे हुए हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अपने आप को आप समय दे रहे हैं, आप बोलते हो कि मैं योगा नहीं कर सकता तो जिम कर लो, आप बोलते हो मैं जिम नहीं कर सकता तो एरोबिक्स कर लो, आप बोलते हो मैं एरोबिक्स नहीं कर सकता तो डांस कर लो, आप बोलते हो मैं डांस नहीं कर सकता तो सुबह कम से कम उठ जाओ, आप बोलते हो कि सुबह उठ के मैं दौड़ नहीं लगा सकता तो भाई कम से कम उठ ही जाओ, 5-6 बजे बिस्तर छोड़ दो, इतना तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट टू स्टार्ट टू डूइंग। कम से कम बहुत अच्छी धार नहीं आएगी तो थोड़ी सी धार आ जाएगी, तो धार यानी कि जो कुल्हाड़ी वाली कहानी में जो धार लग रही है ना, वो धार लग रही है कुल्हाड़ी पर, यहाँ पर धार लग रही है आपके शरीर पर। अगर आपने अपने शरीर को अच्छा बनाया, आपने अपने शरीर को तेज किया, अपने शरीर को तैयार किया, शरीर को अपने बलवान किया, शरीर को अपने स्ट्रांग बनाया, शरीर को अपने मजबूत बनाया है, तो सोच रहे हैं कि आपके डोले बन रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी आपका पेट ठीक है, डोले और पेट और आपका फैट, आपकी बॉडी बाद का चैप्टर है। ये जब आप ठीक कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, तो पहले आपका दिमाग ठीक हो रहा है। जब आपकी हेल्थ ठीक है तो दिमाग आपका ऑटोमेटिकली ठीक होगा, और जब आपका दिमाग ठीक होगा, अपने लिए आपने समय निकाला है, तो फिर एक्चुअली जो आपकी डिज़ायर है, फिर वो दिमाग वहाँ पर काम करने लगता है, फिर वो डिज़ायर को बड़ा करने के लिए, डिज़ायर के लिए क्या करना है, एम्स के लिए क्या करना है, सपनों के लिए क्या करना है, फिर आपका दिमाग काम करता है। आप क्या सोचते हैं कि मैं 8-10 घंटे काम भी करता रहूं, मुझे 40-50,000 रुपये महीना सैलरी भी मिलती रहे, मेरे सपने भी बड़े होते रहें, मुझे योगा भी ना करना पड़े, मुझे एरोबिक्स भी ना करना पड़े, मुझे सुबह उठना भी ना पड़ना पड़े? तो भाई ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आपको एक्चुअली करना चाहते हैं तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने कोई ड्रीम्स मत रखो। जैसी लाइफ चल रही है उसको एक्सेप्ट करो ना, फिर आप उसको आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, जो मेरी लाइफ है वो अच्छी है, वो बढ़िया है, चंगी है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है, अगर अपनी लाइफ से शिकायत है, तो अपने ऊपर फिर काम करना शुरू करो, ट्रेनिंग लेना शुरू करो, हेल्थ के ऊपर काम करो, सुबह उठना शुरू करो, फिर जो डिसीजंस एक्चुअली आपको लेने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो लेना दोस्तों शुरू करो, यह सोचकर कि हाँ रियलिटी बदलेगी एक दिन। मैं नहीं बदलूंगा भाई, रियलिटी बदलेगी, तो भाई सच बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी रियलिटी नहीं बदलेगी, कंडीशन सिचुएशन नहीं बदलेगी। और अगर आप रियलिटी बदलना चाहते हैं, अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुद बदलना पड़ेगा। खुद अगर आप बदल गए हैं तो रियलिटी बदलने की हो दुनिया की कोई ताकत दोस्तों रोक नहीं सकती है। तो दोस्तों आज से ही अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ में अपने लिए समय निकालो, योगा करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, कुछ ना कुछ तो करो भाई, कुछ ना कुछ तो करो। जो आप कुछ ना कुछ करोगे वो आपके रियलिटी को बदलेगा, और दोस्तों वही आपके दिमाग को सबसे शातिर बनाएगा, सबसे तेज बनाएगा, लाइफ में
कोई भी ऐसा मोमेंट होगा ना जब आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, तब भी आपको एक बहुत बड़ी आशा की किरण नजर आएगी, क्योंकि आपने समय अपने लिए निकाला है। तो दोस्तों आज से ही अपने लिए समय निकालिए और अपने दिमाग को तेज बना सकते हैं अगर आपने अपने लिए समय निकाला है, और वो तेज दिमाग दुनिया की आपके सभी डिजायर सभी सपनों को दोस्तों पूरा कर सकती है आपके दिए गए समय पर। जितने समय में आप चाहेंगे ना उतने समय में अपने डिजायर अपने समय मतलब अपने सपने को दोस्तों आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे पर्सनली 30 मिनट्स बात करूं, मेरी एक फ्री सीरीज चल रही है जहां पर मैं लोगों से 30 मिनट्स अपना समय निकाल कर फ्री उनसे बात कर रहा हूं, उनकी वीडियो को प्रमोट भी कर रहा हूं, तो दोस्तों कमेंट्स करना मत भूलेगा। हो सकता है कि मेरा कॉल आपके दिए गए नंबर पर आ जाए और आपसे मैं 30 मिनट्स फ्री में बात करूं, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे मैं सभी को उसको आंसर्स करूं। नमस्कार।